नमस्कार दर्शकों, गॉडट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम इसराइल ने गाजा पर किया हमला, लड़ाकू विमानों ने कई इलाकों को बनाया निशाना, कहा हमास की हथियार बनाने वाली साइट को उड़ाया के विषय में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। इसराइल ने रविवार को लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर बम दागे हैं। दो दिन पहले गाजा ने इसराइल की तरफ आगे आने वाले गुब्बारे लॉन्च किए थे। इसके जवाब में इसराइल ने ये कार्रवाई की थी। ये हमले गाजा के दक्षिण में स्थित खान यूनियस और उत्तर में स्थित जबेलिया इलाकों पर किए गए थे। इस कार्रवाई के जवाब में गाजा लड़ाकों ने इसराइल पर मशीन गनों से फायरिंग कर दी थी। इसराइली पुलिस के साथ संघर्ष में फिलिस्तीन के 15 साल के लड़के की मौत हो गई थी। इसराइली डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें फाइटर जेट्स ने खान यूनियस में हमास के हथियार बनाने वाली साइट और जबेलिया में एक आतंकी सुराग की एंट्रेंस पर बम गिराया है। उन्होंने आम नागरिकों के घरों और शुजया में एक स्कूल के पास हमास की अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्च साइट पर भी हमला किया है। एक हफ्ते से चल रहा था ये संघर्ष। पिछले एक हफ्ते से जारी इजरायल और फिलिस्तानियों के बीच युद्ध जारी है। दावा किया गया है कि गाजा की ओर से करीब 9 आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए गए थे। पिछले हफ्ते फिलिस्तीन प्रदर्शनकारी गाजा बॉर्डर के पास एक दीवार को तोड़ रहे थे। इसी दौरान इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाई। इस विवाद में एक इजरायली पुलिस अफसर और एक फिलिस्तीनी घायल हो गया था। मई में इजरायल और हमास के बीच 11 दिनों तक लड़ाई चली थी। उग्रवादियों ने इसराइल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया था, जिसके बाद इसराइल जेट्स ने गाजा पर हमला किया। इस लड़ाई में 250 फिलिस्तीनी और 13 इसराइली मारे गए थे। मिस्र की मध्य सतह के बाद इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था। गाजा ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। युद्ध विराम के दौरान गाजा में मौजूद समूहों ने ज्वलनशील पदार्थों से लैस गुब्बारे को इसराइल की तरफ भेजा। इसे इसराइल में कई जगहों पर आग लगी, जिसके बाद इसराइल ने हमास की हथियार फैसिलिटी पर रेड की। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे ये गुब्बारे इसलिए भेज रहे हैं ताकि इसराइल पर गाजा पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने का दबाव बने। इसराइल के खेतों में गाजा ने आग लगाई। पिछले कुछ महीनों में इसराइल में आग लगाने वाले गुब्बारों की खबरें आई हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ा है लोगों में। इसराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कहा है कि इन गुब्बारों ने सोमवार को गाजा सीमा पर खेतों में आग लगा दी थी। शनिवार को हुई हिंसा के बाद गाजा के लड़ाकों ने इसराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च किया, जिसे इसराइल के आयरन डॉम उल्टी मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया। ये 21 मई को लगे युद्ध विराम के बाद पहला रॉकेट हमला था। इसराइल गाजा पर प्रतिबंध रखता है, वे नागरिकों को आसानी से गाजा पट्टी के बाहर नहीं जाने देता है। मिस्र ने अभी गाजा पट्टी पर कई रोक लगा रखी है। इसराइल और मिस्र दोनों के मुताबिक उन्होंने हमास की तरफ हमले का खतरा है। तो आइए बात करते हैं इसराइल ने की गाजा पट्टी की नाकाबंदी। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया ने प्रदर्शनकारियों से कहा, इसराइल के साथ टकराव अभी भी किया जा सकता है। हाल के हफ्तों में तनाव बढ़ गया है। हमास ने इसराइल से कहा है कि वो गाजा पट्टी पर लगाई नाकाबंदियों को कम कर दे। नाकाबंदी की वजह से गाजा पट्टी से लगे लोगों और सामानों के अंदर बाहर जाने की आवाजाही प्रतिबंध हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसराइल ने 2000 साल से मिस्र की मदद से गाजा पट्टी पर नाकाबंदी लगाई हुई है। इसराइल का कहना है कि इसके जरिए हमास को हथियार इकट्ठा करने से रोका जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले।
आगे आने वाली देश विदेशी खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑर्डरिंग के साथ। धन्यवाद।